नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार जनता की सेवा के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जहां हाल ही में सीएम ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि 2025 तक दिल्ली की 80% बसें बिजली से चलने वाली होंगी और ई बसें चलाने से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एक रोडमैप साझा करते हुए कहा कि सरकार 2023 में ऐसी 1500 बसें खरीदेगी और 2025 तक 6380 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने ये बात 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए राजघाट डिपो में आयोजित एक समारोह के दौरान कही। सीएम ने कहा कि हमारे पास अभी 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल 7379 बसें चल रही हैं, जो पिछले 75 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। कई वर्षों से नई बसें नहीं खरीदी गई और इस बारे में हमसे सवाल भी पूछे गए। 7379 बसों में से 4000 से अधिक दिल्ली परिवहन निगम द्वारा और 3000 से अधिक DIMTS द्वारा संचालित की जा रही। केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लगभग 100 इलेक्ट्रिक फीडर बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जो बसें वो नहीं चला पा रहा है उन्हें दिल्ली सरकार ने ले लिया है। सीएम ने 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा बसें होंगी और उनमें से 80% बिजली से चलने वाली होंगी। ये प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिपो पर ई बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है और 3 डिपो में पहले से ही ये सुविधा उपलब्ध है। केजरीवाल का कहना था कि इस साल जून तक 17 बस डिपो और दिसंबर तक 36 बस डिपो का विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों में पैनिक बटन, GPS और कैमरे भी लगे होंगे, जिसके चलते यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। फिलहाल बसों को हरी झंडी दिखाए जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।